हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा दी राइज, इसकी अपार सफलता के बाद जल्दी ही इसके सेकेंड पार्ट यानी कि पुष्पा दी रूल फ्लोर पर आने वाली है। हालांकि इसके फ्लोर से पहले ही इस फिल्म से जुड़ी एक खास खबर सामने आ गई है। अटकलों की माने तो पुष्पा 2 के आइटम सॉन्ग में सामंता रुद्रप्रभु की जगह बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस दिशा पाटनी के लटके झटके देखने को मिलेंगे, यानी समंता को रिप्लेस कर दिया दिशा ने इस फिल्म में और अपनी जगह एक अलग बनाई। गौरतलब है कि डायरेक्टर सुकुमार के डायरेक्शन में बनी अल्लू अर्जुन की पुष्पा को हिंदी दर्शकों से भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। पुष्पा के गाने और डायलॉग सब कुछ काफी हिट रहा। पुष्पा दी राइज 17 दिसंबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म ने अकेले हिंदी बेल्ट में 100 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्म में अल्लू अर्जुन के अपोजिट एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना नजर आई थी। फिल्म में दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था। वहीं फिल्म के एक आइटम नंबर वनटाव से सामंता रुद्रप्रभु ने देश विदेश में धूम मचा दी। ये गाना लोगों के बीच काफी चर्चा में रहा। सिर्फ इतना ही नहीं, ये गाना अभी भी लोगों की प्लेलिस्ट में शामिल है। सामंता ने अपने किलर मूव से सभी को दीवाना बना लिया था। हालांकि अब खबर है कि फिल्म में इसके सीक्वल में सामंता की जगह बॉलीवुड की जाने मानी एक्ट्रेस दिशा पाटनी आने वाली है। खबरों की माने तो पहले पार्ट पुष्पा दी राइज में भी दिशा को अप्रोच किया गया था, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने इस फिल्म को करने से, इस डांस नंबर को करने से मना कर दिया। हालांकि जब मेकर्स टीम ने दोबारा दिशा के सामने प्रस्ताव रखा तो वो राजी हो गई। वेल, हो भी क्यों ना, इतनी बड़ी फिल्म है पुष्पा दी रूल। फर्स्ट पार्ट को देखते हुए कोई भी एक्ट्रेस फिल्म के लिए हाँ कर देगी। आपको क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।